आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। गाजीपुर में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा जनपद गाजीपुर का भ्रमण एवं पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई। गाजीपुर में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा जनपद गाजीपुर का भ्रमण और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारी और समस्त थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई। महोदय द्वारा सर्वप्रथम पुलिस लाइन में सलामी ली गई तथा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपराध गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कदापि ना बख्शा जाए। थाने पर आए प्रत्येक फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार करे। गरीब, असहाय, आसक्त और महिलाओं के समस्याओं को प्राथमिकता दे। वहां उनकी समस्याओं के निराकरण में वरीयता दे। समस्याओं से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर जल्द से जल्द निस्तारण करे। महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं की कार्यवाही पूर्ण करने तथा आगामी त्योहार के दृष्टिगत आदेशित किया गया तथा ये भी निर्देश दिया कि किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी अपराध घटित न होने पाए। अपराधियों के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। मैंने गाजीपुर जिले के अपराध की समीक्षा की, कानून व्यवस्था की समीक्षा की है, के साथ साथ जो कार्रवाइयां हो रही हैं अपराधियों के खिलाफ उसकी समीक्षा की है। मैंने देखा इस साल कुल मिलाकर के अपराध की स्थिति नियंत्रण में रही है, क्राइम हर ऑलमोस्ट हर हेड में कंट्रोल में है। कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई तो उनमें कार्रवाई हुई। पिछले काफी समय से इन्होंने काफी अच्छी कार्रवाई करी है। जो संगठित अपराधी हैं, माफियाज हैं, उनके खिलाफ इन्होंने काफी कार्रवाई की है। वो अभियान इनका अभी भी इसका जारी है। कोई भी अपराधी हो, ए टू जेड, कोई भी हो ए टू जेड। हमने जो मुख्य जोड़ दिया है मीटिंग में, जो हमारे थाना स्तर का जो कार्रवाई है, जो आम पब्लिक जो थाने में जाती है, चौकी में जाती है, उसकी सुनवाई उसी लेवल पर अच्छी हो जानी चाहिए। उसके प्रार्थना पत्र तत्काल डिस्पोजल हो, कहीं कोई जमीन का विवाद है तो एक ज्वाइंट टीम बना करके राजस्व की वहाँ मौके पर जाए, उसको हल कर, जैसे आम आदमी को राहत मिले, तो हमने काफी फोकस किया है। दूसरा, जो महिला संबंधी अपराध है, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों, छिड़कानी की हों, हमने कहा जो ऐसी घटनाएं जो बलात्कार की हैं, छिड़कानी की हैं, ऐसे जो अपराधी हैं उनमें केवल उसी केस में नहीं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए, बेनिशन में कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि रासुका लायक है तो रासुका में भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी पेशेवर अपराधी हैं, संगठित अपराधी हैं, भाड़े के हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, वाहन चोर हैं, हमने कहा कि ऐसे सारे गैंगों को पंजीकरण करें, उनकी हिस्ट्री भी खोली जाएंगी और उन सबकी जो भी संपत्ति उन्होंने कमाई है क्राइम से वो सारी जब्त की जाए। इसी प्रकार से जो जिले के टॉप 10 अपराधी हैं, कुछ इन्होंने चिन्हीकरण किया है, ऐसे अपराधियों का भी एक समग्र कार्रवाई होगी। उनके द्वारा यदि कोई कब्जा किया गया तो कब्जा बैठाया जाएगा। अपराध से संपत्ति का जो जब्त हो गया, उदाहरण के लिए अभी कुछ महीने पहले घटना हुई थी, पंप पर हत्या हुई, पेट्रोल पंप हत्या हुई, पंप पर एसी शीटर भी था अपराधी, उसके खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई करी है, गैंग से भी में भी कार्रवाई हुई, प्रॉपर्टी भी जब्त हुई है। हमने कहा ऐसा एक एक केस की स्टडी कर लीजिए। इस घटना में हल्का भी गुंडाई का एलिमेंट है, उसमें उस केस के अलावा भी इस प्रकार की कार्रवाई हो जिससे आगे और अपराधियों में मैसेज जाए और कोई क्राइम करने की हिम्मत न करे। साथ साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, केसेज हैं, विशेष रूप से जो महिला संबंधी अपराध है, उसकी हम कोर्ट में पैरवी करें और पैरवी करके वहाँ सजा करें। वर्तमान में श्रावण का महीना चल रहा है, मुहर्रम भी आने वाला है, इस संबंध में मैंने कहा है कि सारे त्यौहार कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके पालन हो,